हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। फिलहाल जो है, जो छात्र मेरिट का इंतजार कर रहे थे, काउंसलिंग देकर उसके बाद दोस्तों अब फाइनल सिलेक्शन का जो छात्र इंतजार कर रहे थे, उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इसमें साथ ही यह जानेंगे कि जो है दरगाह का कट ऑफ को लेकर जो है क्या मनसा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है दरगाह से भी फॉर्म फिलअप करके जो है अपनी तैयारी किए हैं और एग्जाम भी दिए हैं। देख सकते हो दोस्तों आज की अपडेट क्या है दरोगा को लेकर। यहाँ देख सकते हैं कि जो है गड़बड़ी नहीं हुई तो दरोगा पीटी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 55 से कम ही रहेगा। ऐसा किसने कहा है? तो छात्र नेता दिलीप कुमार ने। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि छात्र नेता दिलीप कुमार लगातार जो है BSSC और उसके बाद जो है दरोगा का एग्जाम को लेकर के तत्पर और तैयार रहते हैं, कभी भी जो है अपना कदम पीछे नहीं हटाते हैं। उन्हीं का कहना है कि अगर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ इस एग्जाम में, अगर पेपर लीक नहीं हुए होंगे, तो दोस्तों जनरल का जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो है OBC SC ST का कट ऑफ का अंदाजा कितनी आसानी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यही कुछ खबर थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं, जो सबसे मेन खबर था दोस्तों यही था। जैसे कि आप यहां से जब देखेंगे क्या लिखा होगा कि दूसरी इंटर स्तरीय और तीसरी ग्रेजुएट परीक्षा का विज्ञापन अगले सप्ताह। दोस्तों आपको पता हो कि जब तक BSSC इंटर लेवल का मेरिट नहीं दे देगी आयोग, तब तक जो है ये वैकेंसी नहीं आएगी, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों जब ऐसा इसने कहा कि दूसरी इंटर स्तरीय और तीसरी ग्रेजुएट का जो परीक्षा का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करेगा, इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इससे पहले मेरिट जो है, इस मतलब BSSC इंटर लेवल का जो मेरिट है वो पहले जारी होगी, उसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि और क्या लिखा है, 4000 पदों पर होगी नियुक्ति, दो स्तरों की होगी परीक्षा। यहाँ बहुत पूरा जो है डिटेल से दिया हुआ, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम यही कहने जा रहे हैं वो दोस्तों की जो है मतलब अब फाइनल मेरिट अब आने ही वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो है 26 से लेकर के 31 तक जो अधिकारी का डेट जो है बढ़ाया गया था, जो मतलब काउंसलिंग का जो कागज वो जो भी है जांच करने, डॉक्यूमेंट जांच करने वाले दोस्तों, तो वो फिलहाल अभी बैठ करके जो है सारी चीज़ें तैयारी कर रही है। जैसे ही तैयारी पूरी होगी बस लिस्ट जो है आयकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो यही कुछ खबर था दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यानी मेरिट जो है अगले सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।